अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें, झारखंड सचिवालय को लेकर आप लोग जो लगातार कमेंट कर रहे थे कि इसमें बिहार को जो ऑफर मिला है, बिहार के विद्यार्थी इसमें इस बार फॉर्म भर सकते हैं, क्या रणनीति होना चाहिए, कितने सीट पर फाइट करेंगे, किस तरीके से, चूंकि आप देखे होइएगा बिहार सचिवालय को लेकर अभी संशय जारी है, कोर्ट में फिर से सुनवाई होने वाला है, तो अभ्यर्थी यहाँ से जो कुछ अंकों से छटे हुए हैं, क्या वहाँ जाकर फॉर्म भरेंगे तो अच्छा होगा, इसी के बारे में मैं रामांशु सर से जानेंगे। सर, आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। सर, बिहार सचिवालय यानी कि जो बच्चे अब इस बार नहीं पास कर पाए या अभी इसमें चल रहा है, केस भी चल रहा है, वह इस बार फॉर्म भरेंगे झारखंड सचिवालय में, तो झारखंड सचिवालय में इस बार फॉर्म भरेंगे, जनरल में लड़ेंगे, इनका किस तरीका से रणनीति होना चाहिए? पहले वाला सिलेबस अब बदल चुका है, सिलेबस क्या है, क्या रणनीति बना के इसको क्रैक कर सकते हैं? देखिए, पिछली बार जो झारखंड की वैकेंसी निकली थी एसएससी वाली, झारखंड एसएससी की, उसमें एक प्रॉब्लम क्या था कि उसमें उन्होंने ऐसा सिस्टम बना रखा था कि झारखंड के बच्चे ही उसमें सेलेक्ट होते और वही फॉर्म भर पाते, लेकिन इस बार उन्होंने अदर स्टेट के बच्चों को भी मौका दिया है। तो नॉर्मली अगर झारखंड का कोई भी पेपर निकलता है तो उसको भरने वाले मैक्सिमम बिहार के ही बच्चे होते हैं, क्योंकि पहले झारखंड बिहार का हिस्सा था और आज भी झारखंड में काम करने वाले बहुत सारे कर्मचारी 20 साल बाद भी, 23 साल हो गया, 20 साल बाद भी वहाँ पे बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी बिहार के ही, क्योंकि बिहार का ही पार्ट रहा है। तो अभी चूँकि हमारे यहाँ सीमावर्ती वो राज्य है, तो इसलिए बच्चे यहाँ के फॉर्म भरते हैं वहाँ पर। अब इस बार सबसे अच्छा क्या किया है कि कोई भी फॉर्म भर सकता है, क्योंकि जो वहाँ पर स्थानीय भाषा को वेटेज दिया गया था, जो स्थानीय स्कूलों में बच्चे पढ़े थे उनको वेटेज दिया गया था, वो सबको लिए ओपन कर दिया गया, इसलिए बिहार के बच्चों को ये फॉर्म भरना चाहिए। सर, बिहार सचिवालय का जो सिलेबस था उसमें और झारखंड सचिवालय के सिलेबस में कितनी समानता है? लगभग काफ़ी हद तक समानता है, बस पेपर का थोड़ा सा पैटर्न अलग है, बाकी समानता काफ़ी स्तर पर है। लेकिन एक जो सबसे बड़ा डिफरेंस है कि जो बिहार सचिवालय का बना था उसमें एक प्री था और मेंस था, इसमें प्री मेंस और इंटरव्यू इस तरह की चीज़ें नहीं, सिर्फ एक ही पेपर होगा। एक ही पेपर का मतलब नहीं कि एक पेपर होगा, माने एक ही बार तीन पेपर हो जाएंगे, तीन पेपर में होगा। पहला पेपर आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों मिला के होगा, वो सबको देना है उसमें, और वो क्वालिफाएंगे, जो भी 30% मार्क्स पाएगा बच्चा उसी का सेकेंड और थर्ड जो है कॉपी चेक होगा, जो भी पेपर चेक होगा। और जो सेकेंड और थर्ड पेपर होगा उसमें एक लैंग्वेज का पेपर है और दूसरा बाकी जीके जीएस मैथ कंप्यूटर साइंस रीजनिंग जितनी सारी चीज़ें वो हैं, तो वो सब मिला के है और उन्हीं दोनों को मिला के मेरिट बनेगा। तो इसलिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी सिविल कोर्ट की तैयारी कर रहे थे, हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे थे, बीपीएससी की तैयारी कर रहे थे, और निश्चित रूप से जो बच्चों का स्टैंडर्ड यहाँ पे है झारखंड की तुलना में कुछ हद तक कुछ मामलों में यहाँ बच्चे बेहतर हैं, इवन कि झारखंड के बच्चे भी पढ़ने के लिए यहाँ पे आते हैं। तो अगर ये बच्चे जाते हैं तो इनका अच्छा मुकाबला वहाँ पे होगा, नो डाउट वहाँ की सरकार प्रेफरेंस देगी वहाँ के बच्चों को, ये अच्छी चीज़ भी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन यहाँ के बच्चे बहुत सारे उसमें सेलेक्ट होंगे। सर, झारखंड सचिवालय में भी 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें कंप्यूटर है जो कि बिहार में कंप्यूटर नहीं था, उस तरीका से देखा जाए तो जीके जीएस है, मैथ्स है, रीजनिंग है, सब है, उसके लिए एक संपूर्ण स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए? देखिए, दरअसल जो 150 क्वेश्चन पूछे जाने हैं उस 150 क्वेश्चन में 40 तो झारखंड स्पेशल है जी, और इसके अलावा जो है 20 कंप्यूटर, 20 मैथ, 20 जो है रीजनिंग, 20 जनरल स्टडी मतलब जनरल साइंस का है, और 30 क्वेश्चन आपके जीके जीएस के हैं। तो बाकी तो लड़के पढ़ते ही हैं, लेकिन जो लड़के अभी जो सिविल कोर्ट और उसकी तैयारी कर रहे थे हाई कोर्ट वाली, तो पूरा कंप्यूटर पढ़ ही लिए हैं वो, और कंप्यूटर में इस तरह कोई बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बहुत ही एकदम सिंपल क्वेश्चन सॉफ्टवेयर से और हार्डवेयर से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं, तो वो लड़के आसानी से कर लेते हैं। थोड़ा सा झारखंड पे मेहनत करने की ज़रूरत है, लेकिन चूंकि मैंने बताया ना कि झारखंड पहले बिहार का हिस्सा ही रहा था, इसलिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ बच्चे जो है झारखंड के बारे में जानते हैं, तो उनके लिए झारखंड स्पेशल तैयारी करने में बहुत मुश्किल नहीं आएगी, बहुत मुश्किल नहीं। केवल बिहार के बच्चे या बाहर के बच्चे जनरल सीट पर फाइट करेंगे? हाँ बिल्कुल। देखिए, दरअसल क्या है कि एक तो जो है झारखंड जनजातीय क्षेत्र है और काफ़ी चीज़ों में पिछड़ा हुआ है, तो बाहर की जितने बच्चे ऐसे भी अदर स्टेट में जाते हैं तो जनरल में ही फाइट करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, फाइट कर सकते हैं, कोई मुश्किल। सर, यहाँ थोड़ा सा समस्या ये होगा कि झारखंड के बारे में भी पूछा जा रहा है, कंप्यूटर भी है, रीजनिंग मैथ्स कम संख्या में है प्रश्न, तो सेट प्रैक्टिस कितना सही रहेगा? देखिए, सेट प्रैक्टिस अभी फिलहाल कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जीके जीएस और जो साइंस का पेपर है वो बच्चों का लगभग तैयार है, तो उसमें टाइम वेस्ट करने से फ़ायदा यह बेहतर ये है कि आप झारखंड पे स्पेशल पे फोकस कीजिए, आप फोकस कीजिए कंप्यूटर पे, ये दोनों काम कीजिए, और जिसका थोड़ा सा मैथ कमज़ोर है उस पे फोकस करें, तो उससे क्या होगा कि उनके सिलेक्शन चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। और जानिए, झारखंड का पेपर बहुत टफ नहीं आता, बहुत आसान आता है, लेकिन जो लड़के पिछड़ेंगे अगर बिहार के बच्चे चाहे अदर स्टेट के, तो पिछड़ने का बहुत बड़ा रीज़न जो है झारखंड और कंप्यूटर ही होगा, तो उस पे फोकस करने तो आसान हो जाएगा।
सबसे बड़ी समस्या है आज तक झारखंड की जो भी बहाली निकलती है बहुत लंबे समय लग जाते हैं, लंबे समय के साथ साथ हर बार कैंसिल कर दिया जाता है। अभी कुछ दिन पहले देखे होइएगा रिजल्ट आया पीसीएस का, वहाँ पे तो 27-28 साल बाद रिजल्ट आया। इसको लेकर सर क्या इस बार फिर भी फंस जाएगा? देखिए अब ये तो सरकारों की अपनी रणनीति है, चूँकि सत्ता का परिवर्तन वहाँ पर हुआ है और दूसरी चीज़ क्या है कि अब दो दो जो है चुनाव जो है लोकसभा का बहुत नज़दीक आ गया है, और ऐसे में अगर युवाओं की बात को नहीं सुनी कोई भी सरकार, चाहे बिहार हो चाहे यूपी हो चाहे झारखंड हो जो भी सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो, तो निश्चित रूप से उनको बहुत ज़्यादा उसका निगेटिव इम्पैक्ट झेलना पड़ सकता है। इसलिए वहाँ की सरकार कोशिश करेगी कि वो अच्छे ढंग से एग्ज़ाम को कंडक्ट कराए, और कोशिश मुझे लगता है कि इस बार पेपर वहाँ अच्छे ढंग से होना चाहिए, इस बार अच्छे ढंग से पेपर होगा वहाँ पर। जो भी बिहार के अभ्यर्थी हैं या बिहार के बाहर के अभ्यर्थी आपको देख रहे हैं उनके लिए आपका क्या संदेश होगा? देखिए इसमें झारखंड पीसीएस के लिए सबसे बड़ी चीज़ है, खासकर जो बिहार यूपी के बच्चे हैं तो उसमें जो सेकेंड पेपर है, पहले उसमें जो है स्थानीय भाषाओं को बहुत ज़्यादा प्रिविलेज दिया गया था, लेकिन इस बार हिंदी और इंग्लिश भी डाल दिया गया है, और लेकिन है सब ऑब्जेक्टिव ही है, पूरा का पूरा जो क्वेश्चन का पैटर्न है सब ऑब्जेक्टिव है, तो इसलिए डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप हिंदी ले रहे हैं, इंग्लिश ले रहे हैं या कोई और भी लैंग्वेज ले रहे हैं तो उसको अगर बढ़िया से पढ़ जाएंगे, उसके कोर्स को मत देखिए, बस ये देखिए कि प्रश्न जो है मल्टीपल चॉइस पूछने वाले हैं, तो बहुत आसानी से आपका कोर्स तैयार हो जाएगा। और थोड़ा सा आपने ध्यान दे दिया, थोड़ा सा लैंग्वेज पे ध्यान दे दिया, थोड़ा सा झारखंड पे ध्यान दे दिया, तो निश्चित रूप से आप वहाँ पे आराम से फाइट कर सकते हैं और हो सकता है कि आप नौकरी में सेलेक्ट भी हो जाए। सर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी।